हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक एंड वेलकम टू धर्मा लाइफ। और धर्मा लाइफ पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी इस हफ्ते की करियर गाइडेंस। अब आपके भी बॉस के साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ अगर चल रही हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि जॉब चेंज करना है कि नहीं करना है, या फिर प्रमोशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उससे बिल्कुल पहले मुझे लगता है कि ये रीडिंग आपको देख लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर खास ये है कि आपको आपकी रीडिंग खुद चुनने का मौका मिलेगा, आपको आपकी सिचुएशन का सॉल्यूशन खुद चुनने का मौका मिलेगा। कैसे, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर ये तीन क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल है ब्लैक टॉर्मेलिन, जो कि देता है आपको नेगेटिविटी से सुरक्षा, प्रोटेक्शन। दूसरा जो मेरे पास क्रिस्टल है, दैट इज क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि आपको पॉजिटिविटी और फोकस देता है। और फाइनली मेरे पास है मेरा थर्ड क्रिस्टल, विच इज पिंक क्वार्ट्ज या फिर रोज क्वार्ट्ज, जो कि आपकी लाइफ में लेकर आता है क्रिएटिविटी, लव एंड सक्सेस। तो ऐसे में इन तीनों ही स्टोन्स में से जो भी स्टोन आपको पसंद आता है, जिससे भी आप रेजोनेट करते हैं, वो स्टोन जो है बन जाता है आपका फेवरेट, और उसी से जुड़ी पायल बन जाती है आपकी रीडिंग। तो अगर आपने चुना क्रिस्टल नंबर वन, तो पायल नंबर वन है आपकी रीडिंग। क्रिस्टल नंबर टू, तो फिर पायल नंबर टू है आपकी रीडिंग। और क्रिस्टल नंबर थ्री, तो पायल थ्री है आपकी रीडिंग। तो ऐसे में चुनिए अपनी पायल, और इस वक्त शुरू करते हैं सबसे पहले पायल नंबर वन यानी कि ब्लैक टॉर्मेलिन से। अगर आपने चुना है पाइल नंबर वन, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको ये देखकर बता सकती हूँ कि इस वक्त बैलेंस जो है, ये उसका टाइम है, बैलेंस का समय जो है वो है ये आपके लिए। बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी और अपने अंदर के मैनेजमेंट स्किल्स को आप थोड़ा सा बैलेंस करें, ताकि आप आने वाले समय में अपने लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन्हें ला सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके पास्ट से। सो ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बहुत ही क्लियरली एक चीज़ दिखा रहा है कि आपको अपने टाइम पर, अपनी मेहनत की वजह से, अपने बहुत हार्ड वर्क की वजह से जो अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो मिली है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये आपके लिए काफ़ी ग्रोथ भरी रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली इसके अंदर ना आपकी क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आपने अपने तरफ से कोई छोटी सी एक क्रिएटिव वेंचर जो है वो शुरू करी हो पास्ट में, जो कि अब जाकर आपके लिए काफ़ी बड़ी, या फिर एटलीस्ट आपके मैनेजमेंट से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, राइट? आप उसे एग्जैक्टली हैंडल अभी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक छोटा सा चीज़ जो है वो दिखाती हूँ, वो है ये। ठीक है, अब देखिए, एक राजा को अपने राज्य तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय जो है वो लगता है, और वही चीज़ ये कार्ड दिखा रहा है। जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हैं, इस चीज़ को आप और भी बड़ा बनाना चाहते हैं, मगर जस्ट ये है कि अभी थोड़े से स्किल्स जो हैं वो लैकिंग है, मगर उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। स्किल्स आपके अंदर ही हैं, आपको बस उन्हें थोड़ा सा खोज कर निकालना है। सो इट इज सजेस्टेड कि आप अपनी तरफ से मे बी कुछ क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन करें, मे बी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो ज्वाइन करें। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे, तो आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, और वो एक बड़ा मुकाम जिसकी तरफ आप लेकर जाना चाहते हैं अपने करियर को, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल बाद आता है ये। नाउ दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज द कार्ड ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली आउट ऑफ यू नो योर बिजनेस। और ऐसे में मैं इसी कार्ड को एक्चुअली देखकर ये कह सकती हूँ कि शायद ये कोई ऐसे हैं जिन्होंने भी ये चुना है पायल। अगर आपने चुनी है, तो आप उनमें से हैं जिन्होंने की शुरुआत में एक छोटी सी चीज़ जो है उसको लेकर, एक छोटे से क्रिएटिव आइडिया को लेकर अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का कुछ एक वेंचर जो है वो चलाया था। और ऐसे में आपका वेंचर जो है वो बहुत प्यार भरा है। जितने भी लोग आपके वेंचर पे डिपेंडेंट हैं, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर क्लाइंट्स हैं, सभी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी के लिए आप बहुत प्यारे हैं। दैट्स द वर्ड फॉर इट, लाइक वेरी मच लाइक अ फैमिली। तो वो चीज़ जो है जिसके बारे में आप और सोच रहे हैं, अपने इस क्लाइंट वेंचर को और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बस थोड़ी सी स्किल्स की ज़रूरत है। सो अगर कोई क्लासेस आप लेंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर लें, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के लिए लें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। अब एक काम करते हैं, चलते हैं पायल नंबर टू की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर टू, तो ये है आपकी रीडिंग। और आपकी रीडिंग देखकर सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ, आई बिलीव एज अ स्टूडेंट आप थोड़े से इस वक्त परेशानी में हैं, थोड़े से इस वक्त कंफ्यूजन में हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिस इज द सेकेंड पाइल दैट हैज़ कम आउट, और मुझे लग रहा है कि बड़े सारे लोग जो हैं वो आने वाले मे बी मार्च अप्रैल के अंदर जो नया एक सेशन जो है वो शुरू होता है, उसके लिए मोस्ट पीपल आर वरिड कि भाई वो हम सेशन जो है वो ले पाएंगे या नहीं, या फिर नया कोई स्किल जो है वो अक्वायर कर पाएंगे या नहीं। अगर ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं, देन लेट मी जस्ट टेल यू दिस कि आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू। सो पाइल नंबर टू, लेट अस बिगिन विद द फैक्ट कि भाई आपने तो बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने पुराने टाइम पे, इतनी मेहनत करी है कि भैया दोस्त वो सबको पीछे छोड़ के बिल्कुल ही आपने सोचा है कि भैया हम तो आगे बढ़ के ही दिखाएंगे।
मे बी बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर है आपके ऊपर, मे बी बहुत ज़्यादा घर का प्रेशर है आपके ऊपर, मे बी मेजरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपने करा है कि यू नो आई प्रॉब्ली यू आर द सोल ओनर इन योर फैमिली और प्रॉब्ली यू आर द वन हु इज़ रियली सपोर्टिंग योर फैमिली इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल वर्क. तो ऐसे में देखिए, इतना प्रेशर लेकर सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है. Your present is also about being protected. You are very protected by love. You are very protected by the higher spirit. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा भार आप ही के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है. देखो, आप ही के स्किल वाले लोग, आप ही के जितने टैलेंट वाले लोग, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको शायद वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो जो आपको मिली है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो और भी बेहतर होने वाली है आपके लिए, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये इसलिए है बिकॉज यू आर बींग लुकड आफ्टर, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि आप एक मन से अच्छी मंशा के साथ इस काम को कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं. यू आर हेल्पिंग आउट योर फैमिली, यू आर हेल्पिंग आउट योर सेल्फ ऑल्सो फॉर दैट मैटर. जी, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर ऑल्सो कि व्हेन आई से फैमिली, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि फैमिली में पैसे देने हैं. इसका मतलब ये भी होता है कि फैमिली की एक लेगेसी होती है, फैमिली का एक नाम होता है, जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा हमारा छोटा ही सही मगर कुछ ना कुछ ज़रूर करे, कुछ ना कुछ ज़रूर बने, और वो चीज़ भी जो है वो आप कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली contributes to the family as well. उनके नाम को अगर आप रोशन कर रहे हैं, then there is nothing else like that. But इस चीज़ का pressure लेकर मत कीजिएगा. Pressure जब हम लेते हैं ना, तो क्या होता है कि we are not able to sort out the kind of talents that we have. By which I mean कि अगर हम बहुत ज़्यादा pressure हो जाते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से या तो घबरा जाते हैं, या फिर हम अपना optimum जो काम होता है, optimum level of experience या optimum level of expertise जो होता है, वो किसी काम को नहीं दे पाते हैं. तो आपके लिए ये सबसे बड़ी सलाह है इस वक्त. और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा अपने दोस्तों से घुलिए मिलिए, थोड़ा सा अपने ऐसे दोस्तों से एक्चुअली घुलिए मिलिए जो कि थोड़े से मे बी उम्र में बड़े हैं, जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस में बड़े हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कई सारे लोग जो है वो अपने फादर के बहुत करीब हों, तो ऐसे में अपने फादर से या फिर फादर लाइक फिगर से आप कुछ समय जो है उनके साथ बिताइए, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, और उसके बाद यू विल गेट सम ग्रेट वेज ऑफ मूविंग अहेड इन योर करियर एंड ऑल्सो फिगरिंग आउट कि कैसे आप अपने तरफ से अगर कुछ एक स्किल जो है उसको बनाना चाहते हैं, तो वो कौन सा स्किल है जिसके ऊपर आपको बढ़त लेनी चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ी कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है आपके दिमाग में प्रेशर के साथ साथ. सो डोंट वरी, वो प्रेशर और वो कन्फ्यूजन जो है दोनों ही क्लियर हो जाएगा. जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड स्पेंड सम टाइम विद योर फादर फिगर, विद योर फादर, और उसकी वजह से जो एक्सपीरियंसेस जो उस कॉन्वर्सेशन के बाद जो जिसे कहते हैं ना एक दिमाग की क्लैरिटी जो आपके लिए निकल कर आएगी, वो आपकी बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने में. सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग. अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ. अगर आपने चुना है रोज क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 3, तो फिर ये है आपकी रीडिंग. और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि आपकी रीडिंग बहुत ब्राइट है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. वो कहते हैं ना कि मतलब सनग्लासेस लगा दो, फ्यूचर इतना ब्राइट है. ये कुछ कुछ वैसा जो है आपके लिए चल रहा है. लेट अस बिगिन विद द फैक्ट कि जिसने भी ये पाइल चुनी है, सबसे पहले तो आपकी जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वाई, एक्चुअली नो, आई एम श्योर वाई ऑफ आपको क्यों ये कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर इस वक्त चल रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ. ये आपके सेकेंड कार्ड पर आएगा, बट अभी के लिए लेट्स गो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस. पहली चीज़ तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़े सारे देशों में आप घूम चुके हैं, या फिर देश में अगर घूमने का प्लान है तो वो प्लान आपका साकार होने वाला है. लाइक What also happens in tarot is ना कि हमको बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो एक स्पेसिफिक रीडिंग में कुछ एक स्पेसिफिक छोटी सी चीज़ जो है वो सामने आती है हमारे. तो यहाँ पर आई कैन वेरी क्लियरली सी कि आपके कार्ड्स जो है वो सारे के सारे ट्रैवल के हैं, ठीक है? ये सब के सब ट्रैवल के बारे में हैं, जहाँ पर आपको खुशी तभी मिलती है व्हेन यू आर ऑन द मूव, राइट? अब इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आप वो हैं जिनको बहुत जल्दी एक जगह पर काम करके थोड़ा आप ऊब जाते हैं, थोड़ा सा आपको बोरियत हो जाती है. सो एवरी टाइम यू थिंक कि यार साल भर बिता लिया, दो साल बिता लिया, नाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड टू अनदर प्लेस वेयर आई कैन हैव अ बेटर यू नो वर्क और अ बेटर पे और समथिंग एल्स. और ऐसे में आप उन लकी लोगों में से रहे हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज में या अलग 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 सिटीज़ में काम करने का मौका मिला है. येस, आई एम कॉलिंग यू लकी बिकॉज बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है, वो इतने अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाते हैं. फुल ऑन सेलिब्रेशन जो है वो भी आपने करा है. मे बी यू आर वन ऑफ दोज
kids who has been very nicely spoiled. All right. मगर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस जो है वो भी कर लिया है. अब ओवर इंडल्जेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ओवर इंडल्जेंस के बारे में ये होता है कि मे बी कुछ वो होते हैं ना, मे बी यू वर अलॉट इन टू मे बी ईटिंग और ड्रिंकिंग और समथिंग लाइक दैट. कोई एक फिजिकली हार्मफुल चीज़ जो है वो आपके लिए हुई है, चाहे वह उसने आपको वेट गेन जो है वो कराया है या बॉडी में डाइजेशन इश्यूज ले आई है या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी जो है वो आई है. अगर ऐसे कोई भी इश्यूज आपको अभी हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा उन पर ध्यान दीजिए. अगर ये इश्यूज आपके पास्ट में थोड़ा सा भी रहे हैं देन दे माइट फ्लेयर अप. ये एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही है. व्हाई एम आई डूइंग अ हेल्थ रीडिंग इन अ करियर रीडिंग, आई विल टेल यू व्हाई. जब तक आपकी हेल्थ जो है वो बेटर नहीं होती है तब तक आप अपने करियर में भी बेस्ट नहीं दे सकते हैं. तो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई इंश्योर कि आप अपने तरफ से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि तभी आप अपने करियर और अपनी लाइफ में बेस्ट दे पाएंगे. सो वाइल दैट इज़ द वन रीडिंग दैट इज डेफिनेटली देयर फॉर यू, वन लिटल पॉइंट दैट इज डेफिनेटली देयर. दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है, दिस इज समथिंग कॉल्ड द सेवन ऑफ रोजेस. अच्छा मैं पिछला कार्ड आपको दिखा देती हूँ. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स बाय द वे. ठीक है, ये जो कार्ड होता है ना ये यूजली इसके आस पास देर आर टू ओल्ड पीपल हु आर देयर. और जब भी ये रीडिंग जो है वो किसी की लव रीडिंग में आती है तो मैं समझ जाती हूँ कि भाई ये तो सोलमेट्स हैं पक्का वाले जो बुढ़ापे तक साथ रहेंगे. बट जब भी ये करियर में आती है तो इट मेक्स इट इवन बेटर, बिकॉज इसका मतलब ये है कि जो भी आपने चुना है या जो भी करियर आप चुनने वाले हैं जिसमें भी आप हैं वो आपके लिए बेस्ट है, बहुत फलता फूलता है. नाउ बैक टू प्रेजेंट. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पाँव में चक्कर हैं, जो कि घूमना चाहते हैं. सो आपके लिए घूमने के मौके जल्द ही आने वाले हैं, गिव इट अ फ्यू मंथ्स. इनफैक्ट अगर अभी तक नहीं आया है तो ज़रूर आएगा. बट मैं आपसे एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा. ऑन योर थ्रोट, बाई विच आई मीन वाणी जो है, एक तो आपका गला जो है उसमें परेशानी आ सकती है तो गले का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई मीन कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ why you feel that there is a certain confusion going on, या certain doubts coming into your mind, even though आपका करियर इतना अच्छा चल रहा है. The reason is that, again, societal pressure. There are people who are below you probably, below you by which I mean below you for work. मे बी आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, मे बी आपकी टीम हो सकती है, जो कि कुछ 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 कह रही है. उनके इस तरीके के बातें करने से, उनके इस तरीके के ओपिनियन से आपको थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है. मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि अंडरस्टैंड वाई यू आर देयर बॉस और यू आर लीडिंग दैम, बिकॉज यू हैव द पावर टू डू दैट. तो अपने टैलेंट्स को और अपने माइंड सेट को किसी और की छोटी मोटी बातों की वजह से या सिर्फ कुछ ऑफिस या वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की वजह से पीछे मत खींचिए. इंश्योर दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर वर्किंग योर बेस्ट विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाई अदर पीपल. और इसके साथ ही फाइनली दिस इज द कार्ड विच इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फॉर यू, जिसका मतलब यही है कि भाई देखिए, दिल को खोल कर रखिए, मन को खोल कर रखिए, क्योंकि आपके लिए कुछ और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने वाली हैं इन द कमिंग टाइम. और जैसे ये आएंगी वैसे इनको पकड़ने की भी ज़रूरत होगी, जिसके लिए यू विल हैव टू बी इन द पीक ऑफ योर हेल्थ. तो अभी से अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए. टेक दैट 15-minute जॉग, टेक दैट 10-minute स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड यू वुड बी अ लॉट बेटर ऑफ. तो इसके साथ ही तीनों की तीनों रीडिंग्स जो हैं वो यहीं पर ख़त्म होती हैं. कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में. कौन सा पायल था आपका वो भी मुझे बताइएगा. और इसके साथ ही ऐसे ही और रीडिंग्स के लिए और ऐसे ही और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव.